अरे बच्चों, करंट सॉल्यूशंस 2.8 के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप श्रीवास्तव और आज हाजिर हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के तीसरे। पहला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो। इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ज़्यादातर इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं क्वेश्चंस और गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनके रूल्स हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सेड या सेड टू यहाँ पे दोनों चेंज होंगे। पहले वाले में क्या था कि सेड नहीं चेंज होता था, मगर यहाँ पे सेड या सेड टू दोनों चेंज होंगे। और किस में चेंज होंगे? ये चेंज होंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, ठीक। दूसरा कंजंक्शन लगाएंगे, इफ या वेदर। इफ़ या वेदर, ये दूसरी चीज़ हो गई कंजक्शन। तीसरा टेंस चेंज किया जाएगा इसमें, और पर्सन चेंज भी जैसे पहले हम करते आए थे उसी हिसाब से करेंगे। वही 1, 2, 3 अपान सन के अनुसार। तो ये इसके रूल्स हो गए। दूसरी चीज है कि एक नोट लिखेंगे, नोट यहाँ लिखेंगे नंबर एक, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो कंजक्शन का यूज न करके उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। पहला नोट ध्यान दीजिएगा कि यदि दो तरह की इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उन सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, इफ या वेदर कंजक्शन का यूज करेंगे। और जिनमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे जो, उनमें हम इफ या वेदर का यूज न करके उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। ये नहीं होता शायद इसमें। दूसरा नोट है कि रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना देते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, असर्टिव बना देते हैं। अब ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ये रूल जो हो गए यहाँ पे, इतने ही रूल इसके हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे, राम सेड आई, राम सेड टू निशा, आर यू गोइंग टू
स्कूल टुडे, ये एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले देखेंगे सेड या सेड टू को हम क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। तो क्या हो गया, राम आस्क्ड में चेंज कर दिया, आस्क्ड निशा। तो पहला जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमने सेट टू को चेंज कर दिया, राम आस्क्ड निशा। अब देखिए आर से शुरू है, आर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए कंजंक्शन यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। अब यहीं पे ध्यान देने योग्य चीज़ है, क्योंकि जो भी गलतियाँ हैं वो यहीं पे बेसिकली आती हैं। इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए, इस हेल्पिंग वर्ब को। सब्जेक्ट पे आइए, सब्जेक्ट है यू, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है निशा, यानी लड़की है, तो शी, लड़की के लिए प्रोनाउन शी। अब देखिए आर जो है इसको अब पास्ट में चेंज करिए, क्योंकि टेंस चेंज होगा, तो आर का पास्ट वेयर होता है, मगर सी के साथ वेयर तो लग नहीं सकता, तो सी के साथ क्या लगेगा, वाज गोइंग टू स्कूल, और टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से ये बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, अमन सेड टू मुकेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। बड़ा सा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बड़ा है तो क्या है, बनाएंगे। देखिए सेट टू को चेंज करें, क्या हो गया, अमन सेट टू को चेंज किया आस्क्ड में, अमन आस्क्ड मुकेश, यानी कि पहला जो चेंज होता है वो किस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, वो हमने चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो रही है, हु से, हु क्वेश्चन वर्ड है, इसी को बना लेंगे हम कंजंक्शन। हु को हमने कंजंक्शन बना लिया। अब हु को अगर हटा दें तो पहले जैसा सेंटेंस हो गया है आर से शुरू, अब आर को भूल जाइए, यू पे आइए, यू फिर से कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मुकेश, यानी कि लड़का है ही। अब आर को चेंज करके आगे लाइए, आर का पास्ट, आर का पास्ट वर्ब होता है, मगर ही के साथ वर्ब नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वाज एंड व्हाट, फिर यू सेकेंड पर्सन, फिर से वही कंडीशन ही। अब देखिए डू, यानी यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, असर्टिव में जब जाएगा, अफर्मेटिव में पास्ट इंडिफिनिट की, तो डू डज डिड कुछ नहीं आता है, वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो वांट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, वांटेड। कई बार बोर्ड में पूछा गया सेंटेंस है। तो ये हो गए, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, इसके ये रूल्स हो गए, इसके ये नोट दे दिए गए यहाँ पे कि क्या किया जाता है विशेष रूप से, साथ में दो हमने एग्जांपल दे दिए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। तो बच्चों शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए ये छह सेंटेंस हमने लिख रखे हैं, जिसमें से तीन सेंटेंस ऊपर के ऐसे हैं जो जिनकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, पहले में एम से, दूसरे में हैव से, और तीसरे में इज से, और नीचे के जो तीन हैं ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट व्हाट और व्हेन। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है उनमें हम कंजंक्शन इफ़ या वेदर का यूज करेंगे
और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है उसमें कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड को हम एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमसे गलती होती है और उस गलती को हम फटाफट सुधार लेंगे, जिससे आगे चलकर भविष्य में चाहे हम आगे कंपटीशन दें कोई भी या अपनी परीक्षा दें कोई भी फर्क न पड़ने पाए। तो उस चीज़ को बड़ा गौर से हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला सेंटेंस देखिएगा, अभय सेड। देखिए यहाँ पे हमने पहली चीज आपको बताई थी, चाहे सेड हो या सेड टू हो दोनों ही चेंज होंगे। तो अभय सेड तो क्या हो जाएगा, अभय आस्क्ड। सबसे पहली चीज क्या हो गया, अभय आस्क्ड। अब एम से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे कंजंक्शन हमको लगाना पड़ेगा। हमने कंजंक्शन लगाया इफ। फिर देखिए यहाँ सब्जेक्ट पे आइए, सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है अभय, अभय लड़का है इसलिए ही। एम चेंज होगा, इज एम आर, इसका पास्ट क्या होता है, वाज वर होता है, तो ही के साथ वर तो आएगा नहीं, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, वाज नॉट ए गुड बॉय। क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाएगा। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि जब भी किसी भी इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, हम फुल स्टॉप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव होता है यानी सब्जेक्ट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई होती है उसको हम सब्जेक्ट के बाद में ले जाते हैं, अर्थात इस स्ट्रक्चर को हम इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि अफर्मेटिव बना देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिए, नेहा सेड टू मी, क्या करेंगे, नेहा सेड टू को चेंज किया, आस्क्ड, आस्क्ड मी। फिर से देखिए, हैव है हेल्पिंग वर्ब है, इफ, इफ लग गया, हेल्पिंग वर्ब को छोड़िए सब्जेक्ट पे जाइए, सब्जेक्ट है यू, सेकेंड पर्सन है मी के अनुसार, मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई। अब हैव को पास्ट में ले जाइए चेंज करते हुए, तो हैज हैव दोनों का पास्ट होता है हैड, तो यहाँ पे क्या आ गया, हैड डन द सेम। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, एक बार आपके दिमाग में अगर एंटर कर गया तो कभी इसमें गलती नहीं आनी। तो दो सेंटेंस हो गए। थर्ड सेंटेंस देखिए, किरण सेड टू लता, क्या करेंगे, किरण आस्क्ड लता। हेल्पिंग वर्ब से देखें शुरू है कि नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इज से शुरू है, कंजंक्शन तुरंत लगाया हमने, इफ इज को छोड़ा, उमा नाम है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंजिंग नहीं, उमा। अब देखिए इज का पास्ट क्या होगा, इज का पास्ट वाज होगा, सीधी सी बात, किसी छोटे बच्चे से भी पूछे वो बता देगा कि इज एम आर का पास्ट वाज होता है। सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, आगे कुछ दिया ही नहीं है, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तीन बन गए। चौथा देखें, अजय सेड टू मी, क्या हो जाएगा, अजय आस्क्ड मी। अब आगे देखिए, व्हाट, व्हाट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा हम जो ये इफ लगा रहे थे नहीं लगाएंगे, कंजंक्शन बना देंगे इसी व्हाट को, व्हाट को हमने बना दिया कंजंक्शन। फिर आर को छोड़िए, यू को देखिए, सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार क्या हो गया सब्जेक्ट फॉर मी का, आई, आर को फिर ले जाइए, आई के साथ वाज आएगा, डूइंग हो गया। फिफ्थ देखिए, कमल सट्टू राजेश, कमल आस्क्ड राजेश, व्हाट फिर से है, फिर से व्हाट रखेंगे कंजंक्शन की जगह पे, वाज को छोड़िए, ही सब्जेक्ट को देखिए, ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए वाज जो है वो किस में चेंज होता है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ,
वाज चेंज होता है हैड बीन में, वाज चेंज होगा हैड बीन में डूइंग, और यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में। ये कंप्लीट हो गया आपका पांचवा सेंटेंस। इसमें कई चेंजिंग करनी पड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से देखता हूँ। पहला सेट टू को चेंज किया आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया था उसी को कंजंक्शन बनाया। इसको छोड़ के सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट था ही, यानी कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख लिया। वाज को देखा, वाज चेंज हुआ किस में, हैड बीन में, हैड बीन में चेंज कर, यस्टरडे चेंज हुआ द प्रीवियस डे में। चलिए सिक्स्थ एंड लास्ट देखते हैं। केतन सेड टू करीम, केतन आस्क्ड करीम, क्वेश्चन वर्ड हैन, कंजक्शन नहीं लगेगा, विल हेल्पिंग वर्ब छोड़ दीजिए, यू देखिए, यू सेकंड पर्सन, करीम के हिसाब से लड़का है, ही आ गया। विल को चेंज करना है हमें, विल का पास्ट क्या होता है, वुड, वुड, कम हियर चेंज होता है, हम पहले लिखा चुके थे आपको, कम हियर चेंज होता है गो देयर में। तो ये छह सेंटेंस हमने दिए थे, इन छह सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो गई कायदे से, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, ये छह सेंटेंस और हैं, इनकी भी एक बार प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, तो इस तरीके से 12 सेंटेंस हो जाएंगे, लगभग एक एक्सरसाइज हो जाएगी। और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से इस चीज़ को लेकर के कभी भी गलती नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस, सुधा सेड टू अमर, सुधा ने अमर से कहा, शैल आई लर्न दिस लेसन, क्या मैं यह पाठ नहीं पढ़ी, क्या मैं ये पाठ नहीं पढ़ूंगी, इस तरीके से सेंस निकल के आएगा। तो क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है, सब में क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है। तो मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना होगा, चाहे शैल हो या फिर सेड हो या फिर सेड टू हो। तो देखिए पहला सुधा सेड टू अमर क्या हो जाएगा, सुधा सेड टू को चेंज किया, आस्क्ड अमर, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, सेल से कंजक्शन लगाएंगे, इफ, सेल को छोड़िए, हेल्पिंग वर्ब को पहले हम छोड़ देंगे, सीधे सब्जेक्ट पे आएंगे, सब्जेक्ट है आई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सुधा, सुधा एक लड़की का नाम है, लड़की के लिए प्रोनाउन आता है शी। अब देखिए शैल, देखिए आई के साथ शैल था, शी के साथ शैल तो नहीं होगा, आई बी के साथ शैल, सेस के साथ विल, तो शी के साथ क्या होगा, विल चेंज होगा पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वुड, शी वुड लर्न, दिस को चेंज किया जाता है दैट में, पहले ही लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला लेक्चर है उसमें सारा कुछ बता चुका हूँ। लेसन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल की, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से पड़ा हुआ है वहाँ पे, वहाँ सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जो भी हैं। दूसरा राजेश सेड, देखिए खाली सेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी चेंज करेंगे हम, राजेश आस्क्ड इफ, सब्जेक्ट देखिए, अब है नाम है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को एज इट इज लिखेंगे, विल को चेंज करेंगे पास्ट में, वुड हो जाएगा, नॉट रीड इंग्लिश, अब बचा नाउ, नाउ को चेंज किया जाएगा देन में, ठीक। तो दो सेंटेंस इस तरीके से पूरे हुए। अब आप बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम, हमें नहीं लगता है कि इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम जनरली होती कहाँ पे है, जब हम ये वाला पोर्शन, इसको हम असर्टिव बनाते हैं, जैसे विल पहले था, इसको बाद में ले गए और टेंस भी इसका चेंज किया, बस यहीं पे प्रॉब्लम आती है, और हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आकाश सेड टू विजय,
सेट टू को चेंज कर लें, आस्क्ड में बड़ा आराम से आस्क्ड विजय, फिर से हैज है हेल्पिंग वर्ब कंजंक्शन लगा दीजिए, इफ हैज को छोड़ दें भी हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट लाएं द प्यून, द प्यून, प्यून मीन्स चपरासी। अब हैज का पास्ट पता है आपको क्या होता है, हैड, नॉट, कुछ नहीं आगे चेंज करने वाला है, रिंग द बेल, ठीक है। फोर नंबर नमिता सेट टू सुधा, उसी तरीके से चेंज करेंगे, नमिता आस्क्ड सुधा, देखिए आगे व्हाई बदल गई कंडीशन, अब हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच नहीं स्टार्ट है बल्कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाइए, इफ की जगह इसी व्हाई को हमने बना दिया, कंजक्शन आर को छोड़िए यू पे जाइए, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है सुधा यानी कि एक लड़की, लड़की के लिए प्रोनाउन शी। अब आर को उधर चेंज करके लाएंगे तो वाज नॉट डूइंग, देखिए यू के साथ योर तो शी के साथ हर, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही पजेसिव फॉर्म, वर्क और टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, क्वेश्चन मार्क किसी में नहीं लगाना है, ये एक बार फिर से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नंबर फाइव आकाश सेट टू विकास, विकास में एच नहीं होता, क्या होगा, आकाश सेट टू को आस्क्ड विकास हुज, देखिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल केस है, हुज हुम, हुज हु का पजेसिव फॉर्म है तो इसके साथ एक नाउन जरूर आता है और यहाँ पर भी लगा रहेगा, यहाँ पर भी ये लगा रहेगा, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हम मानेंगे, हुज बुक किसकी पुस्तक, ये पूरा मानेंगे। अब देखेंगे इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसका दिस जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और इसके पहले का पोर्शन ये जो पूरा है ये क्वेश्चन वर्ड हम पूरा मान के चलेंगे। तो आप हेल्पिंग वर्ब छोड़िए, दिस को देखिए, तो दिस को चेंज किया जाता है किसमें, दैट में, अब हेल्पिंग वर्ब इज को पास्ट में चेंज करके लाइए वाज, इस चीज पे जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी हुज आएगा साथ में एक नाउन लेकर के आएगा और वो नाउन यहाँ पर भी साथ ही में लिखा जाएगा, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी तब होगा सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे। जैसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो हो जाएगा व्हाट योर नेम वाज, इस तरीके से चेंज। ओके लास्ट देखते हैं, कपिल सेट टू मनीष, चेंज करिए, कपिल आस्क्ड मनीष वेयर, क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बना दिया इसी का, वेयर हेल्पिंग वर्ब छोड़ दें, यू को लाएं, सेकंड पर्सन मनीष, मनीष है लड़का यानी कि ही। अब देखिए वाज वर जो होता है, ये वाज वर ये हैड बीन में जाता है, आपको पहले बताया जा चुका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन गोइंग, स्टडी को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो बच्चों अब मैं समझता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको पहला कॉन्सेप्ट जो ये था कि जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, उसके दो वीडियोज़ हमने दे दिए, जो उसमें एक्सेप्शंस थे उनके बारे में भी आपको बता दिया गया, दूसरा कॉन्सेप्ट जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो वो बता दिए, सारे रूल्स बता दिए, नोट लिखवा दिए कि कौन कौन से नियम और फॉलो होंगे उनके साथ में, उसके बाद में हमने 12 सेंटेंस आपको बना के भी बता दिए। अब आप लोग कोई सी भी बुक जो आपके पास हो ग्रामर की, कोई सी भी हो, उसमें खोलिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को देखिएगा और पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा
कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव हो। तो अगला कॉन्सेप्ट अब हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में जो भी हैं। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आराम से मिलते रहें और आप इसका लाभ उठाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।